हाय गाइस, मैं त्रिशा, ब्यूटी विद त्रिशा चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, या फिर आपके बालों में बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या फिर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन हो गई है, आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, आपको लॉन्ग थिक हेयर चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ सेसा ऑयल का रिव्यू, जो कि बहुत ही अच्छा ये हेयर ऑयल है। आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ ये आयुर्वेदिक है, उसके साथ ही साथ 18 जड़ी बूटियों से ये बना हुआ है। नो मिनरल, नो केमिकल फ्री ये ऑयल है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है आपके बालों को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाने में, और साथ ही साथ अगर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन है उसको भी दूर करेगा, साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करेगा। अगर किसी भी स्ट्रेस के कारण आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो गाइस बालों को झड़ने से रोकता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उसके साथ ही साथ आपके अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो झड़ने से रोकता है। तो बहुत ही अच्छा ये हेयर ऑयल है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके मैं बैक साइड की बात करूँ तो इसके ऊपर क्लियरली सारे इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर डाले गए हैं मेंशन किए गए हैं। किसी भी स्ट्रेस के कारण आपके बाल झड़ सकते हैं तो उसको रोकता है झड़ने से। तो गाइस आप देख सकते हैं के इसके ऊपर सब लिखा हुआ है। उसके बाद ये इस साइड में भी मतलब दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 साल तक ये काम करता है। हेयर ऑयल 3 साल बाद ही एक्सपायर होगा, 3 साल से पहले एक्सपायर नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब भी आप हेयर ऑयल ख़रीदें तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आप ज़रूर इसका देख लें, उसके 3 साल बाद ये एक्सपायर होगा। तो देख सकते हैं 130 रुपीज़ में ये हेयर ऑयल आपको आसानी से मिल जाता है, और 2018 में बना हुआ है तो 2021 में एक्सपायर होगा, तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड भी है, 1 साल है लगभग एक्सपायर होने में। इनर पैकेजिंग की मैं बात करूँ तो बहुत ही क्यूट सी बॉटल निकलती है इसके अंदर से, जो कि इसका कैप ही बहुत ज़्यादा क्यूट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत लंबी बॉटल नहीं है, बहुत बड़ी बॉटल नहीं है। तो गाइस, ये 100 ml की बॉटल मिल जाती है, साथ ही साथ ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसका कैप काफ़ी घुमाने के बाद ही खुलता है, ऐसे आसानी से नहीं खुल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं गोल गोल घुमा रही हूँ तभी ये खुल रहा है, और इसका कैप रैपर जो है पूरा ना निकाल करके आप थोड़ा सा ही ओपन करें, इसीलिए मैं ओपन करना भी दिखा रही हूँ कि बहुत ही थोड़ा सा ओपन करेंगे तो बहुत ही लाइट वेटेड ये हेयर ऑयल है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके बालों में लगाने के बाद बिल्कुल भी स्टिकी नहीं दिखेगा। उसके साथ ही साथ एक और बात है इसके अंदर कि ये बिल्कुल भी केमिकल जैसी खुशबू नहीं आती है कि आपने बालों में पता नहीं क्या लगा लिया है जड़ी बूटियों का। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर से स्मेल नहीं आती, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर से, जो कि आपके सर में दर्द नहीं करेगा उस खुशबू। बहुत ही लाइट वेटेड ये हेयर ऑयल है, तो एक बार इसको अपने बालों में ज़रूर अप्लाई करिएगा। हफ्ते में 2 से 3 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप इसको हेयर वॉश करना है उससे पहले आप अपने बालों में लगा ले रात में, और सुबह आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो बस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई सब्सक्राइब करने के बाद आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, आप मेरे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। बस अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।